चुनावी नफा नुकसान के लिए राजनीतिक दलों की ओर से क्या क्या नहीं किया जा रहा। निजी स्वास्थ्य पर भी सियासत हो सकती है और उस पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। यह क्षेत्रीय दलों के बीच नहीं बल्कि देश के दो सबसे बड़े दलों और उनके बड़े नेताओं के बीच हो रहा है और इसी के बहाने अपने मुद्दों की राजनीति भी साधी जा रही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जरूर करेंगे और उसके लिए हम जरूर मारेंगे, चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के, उन्होंने जिस तरह से अपने स्वास्थ्य का मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ा उसकी वजह से उनका स्वास्थ्य भी सियासी सवाल बन गया। हालांकि इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। कटुता का परिचय देते हुए उन्होंने बिना मतलब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम ले। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु और स्वस्थ रहे, वो 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखने के लिए जीवित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल उठाया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जवाब देने में देरी नहीं। उन्होंने मणिपुर और जातीय जनगणना के सवालों के सहारे केंद्रीय गृह मंत्री को घेरा। गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर जनगणना और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपके सरकार का ही सर्वे कहता है कि शहरी सीवरों, सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले 92% कर्मचारी SC ST OBC वर्गों से आते हैं। 92% कर्मचारी SC ST OBC वर्गों से आते हैं। भाजपा जातिगत जनगणना के विरोध में इसलिए है क्योंकि तब पता चल जाएगा कि SC ST OBC, EWS व सभी वर्ग कौन कौन से कार्यों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उनको किस तरह की सरकारी योजनाओं का टारगेटेड लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करवाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, हम ये करवा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला तो दोनों दलों के नेता भी बयानों को लेकर आमने सामने आ गए। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।